सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबीका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो लड़कियां ससुराल में सिसकियां लेती हैं उनके लिए ये वजीफा है। इस अमल की बरकत से बेशुमार लड़कियां अपने घरों में खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं। वीडियो का आगाज करती हूँ। आज आप लोगों के साथ एक ऐसा वजीफा शेयर किया जा रहा है जो तकरीबन हर घर, हर दफ्तर और हर शख्स की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जिन खवातीन की ससुराल में इज्जत ना हो और ससुराल वाले इसको बहुत तंग करते हों। इसके लिए ये अमल बेशुमार कीमती है। जो भी बहन ससुराल में इज्जत पाना चाहती है वो ये अमल कर ले, उसकी हुक्मरानी इस घर में कायम हो जाएगी और इसकी बात को हरफे आखर समझा जाने लगेगा। इस अमल की बरकत से आप अपने घरों में सुकून से खुशहाल जिंदगी बसर कर सकेंगी। इस वजीफे के इस्तेमाल से लोगों की घर में इतनी इज्जत हो जाती है कि अक्सर वो मुतकब्बर बन जाते हैं और छोटे बड़ों की तमीज़ छोड़ देते हैं। घरों में इनकी अजादारी कायम हो जाती है, छोटा हो या बड़ा हर कोई इसके सामने सर तस्लीम खम कर लेता है। अगर कोई इसका नाजायज़ इस्तेमाल करता है तो नाज़रीन इसका बहुत सख्त नुकसान भी होता है, वो तरह तरह के मसाइब में गिरफ्तार हो जाता है। जिसने भी इस वजीफे का गलत इस्तेमाल किया, दूसरों पर अपनी हुक्मरानी और अजादारी कायम करने के लिए ये अमल किया, इनका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। ये अमल इंतहाई आसान है। करना क्या है कि हर रोज़ फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 108 बार या अज़ीज़ु मिन कुल्ली अज़ीज़ु बिहक्का या अज़ीज़ु पढ़ लेना है। इसके अलावा सारा दिन आपने या अज़ीज़ु का वर्द करते रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके ससुराल घर में इज्जत हासिल होगी इंशाअल्लाह। आज की इस वीडियो में इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।